हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है, मनुष्य में आरएच रुधिर वर्ग पर निबंध लिखिए, यानी राइट ऑन एसे ऑन आरएच ब्लड ग्रुप इन मैन। गाइस ये इम्पोर्टेंट रहता है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जूलॉजी के एग्जाम में। एंड ये लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों में ही पूछा जाता है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आइए फटाफट से देख लीजिए आंसर। आरएच कारक की खोज लैंडिस्टर ने तथा ए एस वियनर ने की थी 1914 में। इन दोनों ने क्या किया, मकाको रिचिस नामक बंदर के रुधिर द्वारा यानी ब्लड से गिनी पिनी को प्रतिरक्षित करके की थी। रिसेस बंदर के रुधिर की गिनी पिनी में अंतः शिप्त करके देखा, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा गया कि गिनी पिगी में एक प्रकार के एंटीबॉडीज विकसित हो रहे हैं जो सभी रीसिस बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं में एग्लूटिनेट अर्थात सामूहिकृत कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस जाति के सभी बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का एक एंटीजन होता है, इसको आरएच कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच कहते हैं। बंदरों के ब्लड में जो एंटीजन होता है उसे आरएच कहते हैं। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप रेडी होता है। और यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि आरएच कारक की खोज किसने की थी, तो लैंडिस्टर एंड ए एस वियनर ने की थी। और किस पर की थी, मतलब एक बंदर पर की थी जिसका नाम क्या था, मकाको रिचिस। ठीक है, अब मानव रुधिर की गिनी पिनी में सीरम से टेस्ट करने पर देखा गया कि कुछ मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं तो गुच्छन बनाती हैं, मतलब गुच्छे जैसे बनाती हैं, अर्थात ये सामूहिकृत हो गई, जबकि अन्य मनुष्य के रुधिर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मनुष्य में इसका सर्वथा अभाव होता है। जिन मनुष्य में रुधिर में आरएच एंटीजन होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जबकि जिन में इनका अभाव जीनों इसका अभाव होता है आरएच नेगेटिव कहते हैं। जिसमें नहीं होता उसमें आरएच नेगेटिव। ऐसा मत है कि आरएच पॉजिटिव प्रभावी लक्षण है और आरएच अप्रभावी लक्षण है। मानव जनसंख्या में 80% से अधिक व्यक्ति आरएच पॉजिटिव होते हैं तथा इसमें आरएच नेगेटिव एंटीजन होता है। क्या होता है, आरएच नेगेटिव एंटीजन होता है। जो पॉजिटिव होते हैं उनमें नेगेटिव एंटीजन होता है। RL1 नेगेटिव या फिर आरएच नेगेटिव व्यक्तियों की यह एंटीजन नहीं होता। आरएच नेगेटिव व्यक्तियों में इस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी नहीं होती, किंतु ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, एक एंटीजन में संचेतित हो जाता है। क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों में एक एंटीजन में संचेतित हो जाता है पर आरएच एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसके बाद इसमें आरएच रुधिर का आधान करने पर रुधिर एलुलिटिनेट अर्थात समूहीकृत हो जाता है, क्योंकि आरएच व्यक्तियों में विकसित एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजन से प्रतिक्रिया करती हैं। अब आरएच एंटीजन के अभाव से या प्रभाव, अभी तक 30 से अधिक एंटीजनों की खोज हो चुकी है। इसमें से एंटीजन डी या आरएच की रुधिर आधान से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब आरएच CHH1 या फिर HR आदि अन्य आरएच एंटीजन हैं। एंटीजन डी वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, आरएच, ये आपको एक साइन दे रखा है, तथा इसके अभाव वाले व्यक्तियों को आरएच कहते हैं। तथा आरएच रुधिर वर्ग के अनुवांशिक आधार आरएच कारक की वंशागति की क्रिया के लिए दो प्रणाली प्रस्तावित की गई हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है विनर सिस्टम। विनर के अनुसार गुणसूत्र में स्थित एक जटिल विथल आरडी एंटीजन का निर्माण को नियंत्रित करता है। इस विथल पर 10 विभिन्न प्रकार के बहुविकल्पी होते हैं। ये अभी सभी सह प्रभावी होते हैं। ये एलिल यानी R, R1, R, R, R star तथा RT, किंतु R011 तथा LL यदा कदा ही मिलते हैं। अब ये इतने प्रकार के एंटीजन अभी तक खोजे जा चुके हैं। ये था हमारा शॉर्ट टाइप नोट या फिर कह सकते हैं, फिलहाल यही बताया गया कि जो बंदरों में पाया जाता है वो हम ह्यूमंस में भी पाया गया, और 80% ह्यूमंस में वो पाया गया, मतलब एंटीजन पाया गया है आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव।
बंदरों में पहले टेस्ट किया गया, फिर हम लोगों में टेस्ट किया गया, और अब जब हम लोगों में टेस्ट किया जाता है तो आर एच पॉजिटिव और निगेटिव से साइन दे दिया जाता है। होपफुली आपको क्वेश्चन के नोट्स समझ आए होंगे, मैं डिटेल में नहीं समझाती क्योंकि इस क्वेश्चन के केवल मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।